जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग आए हैं हुडपा गांव में, और हुडपा गांव की लड़की जो है मेडिकल में निकाली है, नीट का एग्जाम दी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाली है। पहला अटेम्प्ट में कैसे किया आपने ये? ये सारे मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट और मेरे फैमिली के सपोर्ट के वजह से हुआ, और टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया, तो उन सबके हेल्प की वजह से हो पाया। तो देखिए 2022-27 कुछ ऐसा रैंक है इसका, और 670 मार्क्स लाया है इन्होंने। आइए जानते हैं कहाँ से स्कूलिंग किया, ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आएंगे, सारा कुछ जानेंगे। और तैयारी करने के लिए हजारीबाग जब जाती थी तो कैसे जाती थी, कैसे हुआ आपका स्कूलिंग, कहाँ से हुआ? क्लास 10 मैंने माउंट लिटरा जी स्कूल से किया, जहाँ पर मुझे 93.2% आए थे। अच्छा। और फिर मैंने क्लास 12 अपना सेंट ऑगस्टीन हाई स्कूल से किया, तो वहाँ पर मुझे 95.2% आए। 95% क्या बात है। देखिए ट्वेल्थ बहुत टफ होता है पास करना, और उसमें 95% लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे लगा कि मतलब नीट तुम क्लियर कर सकते हो ऐसा? बचपन से ही एक बायो में इंटरेस्ट था, और मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी था, क्योंकि मम्मी लोग और मेरी बायो के स्ट्रीम से थी, तो मतलब ऐसा लगता था बचपन में भी, सब बोलता था कि डॉक्टर करने से एक नोबल प्रोफेशन है, काफ़ी सारे गरीब लोगों का मदद कर सकते हैं। और जब स्पेशली 2020 में पैंडेमिक आया तो काफ़ी सारे लोग परेशान थे, और मतलब उससे निकलने के लिए सब लोग सब कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में अगर मैं अपना बेस्ट देती हूँ और लोगों को सर्व कर पाती हूँ, तो एक मेरे लिए भी अच्छी बात होगी और मेरे सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइडेंस कहाँ से मिला, जैसे आपको क्या लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना बहुत बड़ी बात होती है, तो नीट का भी तैयारी करना, ट्वेल्थ का तैयारी करना, कब से शुरू कर दिया एकदम नीट के लिए, और फिर गाइडेंस कहाँ से मिला कि हाँ नीट में क्या क्या आएगा? जैसा कि सबको ही मालूम है कि नीट का प्रिपरेशन तो क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाता है, 2 साल का प्रिपरेशन रहता है। तो मतलब उस टाइम थोड़ा सा कोविड का टाइम था, मतलब पूरी तरह से कोविड गया नहीं था, तो हम लोग सोचे क्यों ना होम टाउन से ही ट्राई किया जाए, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे और टॉपर्स के बारे में भी सुना है जिन्होंने सेल्फ स्टडी से काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए और अच्छे रैंक सिक्योर किए हैं। तो फिर हमें टेक्नोविजन सुपर 30 के बारे में भी बहुत सुना था, काफ़ी अच्छे वहाँ के भी फैकल्टी है, तो फिर हम लोगों ने वहीं ज्वाइन कर लिया। तो 11 थोड़ा सा मतलब मुश्किल दौर रहा था, जो कि सब बच्चों के लिए होता है, क्योंकि नया नया चीज़ ग्रास्प करना होता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, डिफिकल्ट लगता है, बट धीरे धीरे जब आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलने लगता है, आपको पढ़ाई समझ में आने लगते हैं, आपके पेरेंट्स आपको समझने लगते हैं और आप चीज़ों को ग्रास्प करने लगते हैं, तो ईजी हो जाता है। तो 11th में तो इनिशियली मेरी मम्मी मुझे लेकर जाती थी वहाँ पर ट्यूशन में, और चूँकि मैं यहाँ से अकेली ही जाती थी, मेरे साथ कोई और जाता नहीं था, तो मेरे साथ ही रहती थी वहाँ पर, जितने भी मेरे 3 आवर्स के क्लासेस चलते थे वहीं पे मम्मी रहती थी। तो फिर हम लोग यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, हाँ हम लोग रोज़ सफ़र करके जाते थे, काफ़ी थक भी जाते थे, बट उसके बाद भी मतलब एक जुनून था कि नहीं करना है, तो उसके बाद भी घर आके काफ़ी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते थे, और मतलब इनिशियली बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। तो कितना घंटा मतलब पढ़ाई करते थे, कोचिंग भी जाना आना, उसके बाद फिर घर पे पढ़ना? ऐसा तो मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट अप्रोक्स 10-12 आवर्स तो ज़रूरी होगा। कभी काउंट नहीं करते थे पढ़ाई को, मतलब सुबह से ही शेड्यूल रहता था कि अभी जैसे ट्यूशन में जो पढ़ाई हुआ उसको रिवाइज करना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर ट्यूशन का सारा वर्क करना है, फिर घर आना है, फिर दिया हुआ टास्क कम्प्लीट करना है, उसको भी रिवाइज करना है, फिर कल के लिए और प्रिपेयर होके जाना है अपने आप को, और सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी सर लोग प्रोवाइड किए उसको बनाना है। तो क्या लग रहा था जब एग्ज़ाम दे के निकले थे आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, तो क्या लग रहा था कि इतना मार्क्स आ जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं अपने स्कोर से कि और अच्छा होना था? हर इंसान को लगता है थोड़ा और अच्छा होना ही चाहिए था, तो मुझे वैसे ही लगता है, मतलब जब हम नीट का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पहला बार भी था और फिर काफ़ी डर लग रहा था, नर्वस थे हम, बहुत ज़्यादा भीड़ भी वहाँ था, बट जब हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गए धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, क्वेश्चन पेपर मिला, तो मैंने जब पेपर को रीड करके देखा तो लगा कि सारा क्वेश्चन आता है, हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर मैंने जैसे जैसे क्वेश्चन करते गए तो बहुत अच्छा फील होता है, क्या कि अब तो अच्छा लग रहा है, लगता है अच्छा मार्क्स आएगा, और आया 2670। हाँ थोड़ा अच्छा फील होने लगा था। फिर जब मैं घर भी आई तो पापा को बताया कि हाँ अच्छा ही गया है, तो अच्छा मार्क्स आएगा ऐसा एक्सपेक्ट लग रहा था। तो देखिए आइए मम्मी से बात करते हैं इनके, आप बताइए कैसे तैयारी किया, और क्या आपका पहले से ड्रीम था कि इसको डॉक्टर ही बने इसको साथ में? हाँ मतलब जब सेकंड बार लॉकडाउन आया था ना, तो उससे पहले तक हम इसको लेके जाते थे, लेकिन जब सेकंड बार लॉकडाउन आया तो फिर हम लोग थोड़ा सा रुक गए,
और फिर थोड़ा सा सोचे कि ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं इसको, तो थोड़ा सा आकाश का भी मदद ले लिए डीएलटी सब का, तो फिर इसको तैयारी करवाएं ऑनलाइन भी फिर फायदा हुआ पढ़ने। हाँ कुछ फायदा हुआ, कुछ नहीं बहुत ही फायदा हुआ उससे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये सब भी मिला, थोड़ा मॉड्यूल वोड्यूल का भी ये हुआ इसलिए। तो देखिए इसके दादा है कुलसुम के, ये पता चला कि आपके परिवार में डॉक्टर कोई नहीं बना है, तो बेटी जो डॉक्टर बनेगी कैसा लग रहा है? आप बताइए, थोड़ा भावुक हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी है सो बन रही है डॉक्टर, यही है और क्या। अभी हमारे परिवार में तो कोई नहीं ने बना है, तो इससे तो बहुत खुशी हो रही है। आइए इनके पापा से बात करते हैं, बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं थोड़ा। शकील जी बताइए, आप सीए का तैयारी करते करते, शकील जी के बारे में मैं बता दूं कि सीए का तैयारी करते अकाउंटेंट भी रह चुके, अकाउंटेंट काम कर चुके, इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, सीए का तैयारी करते करते बेटी को मेडिकल की तरफ ले गए, क्या है मतलब क्या? हाँ एक्चुअली पढ़ाई और एजुकेशन का शुरू से रुझान रहा था, और मतलब बहुत डेडिकेट होकर के हम लोग पढ़ाई करते थे और पढ़ाई को बहुत वैल्यू देते हैं, तो हम दिल्ली गए पढ़ने के लिए। हाँ। वहाँ आर्टिकलशिप भी किया, एक ग्रुप निकला भी सीए का, है ना, लेकिन किसी कारणवश हम फिर वापस चले आए, है ना। उसके बाद फिर मेरी वाइफ भी बीएससी ऑनर्स है, तो कहीं ना कहीं टीस रह गया था कि होता है कि हम नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे करें। हाँ, और पहले अटेम्प्ट में निकाल लियो। हाँ, बच्ची मेरा इंजीनियरिंग करने चाहती थी। हाँ। क्योंकि उसका मैथ बहुत बढ़िया था, फिजिक्स बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, लड़की लोग के लिए मेडिकल लाइन अच्छा रहेगा, है ना, तो फिर वो भी मान गई और फिर ऐसा तैयारी की कि उसका 720 आते आते रह गया, है ना। वो नेगेटिव मार्किंग के चलते कुछ क्वेश्चन को मार्क तो की थी। हाँ। लेकिन वो कंफ्यूजन के चलते कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आए, उसको अटेम्प्ट नहीं की और बहुत होशियारी से काम की। अब क्या लगता है कहाँ एडमिशन होगा और क्या, इसके बारे में अब आपको ही सोचना पड़ेगा आगे जाके। बात ऐसा है कि सुविधाओं के हिसाब से जहाँ पे सुविधा होगा उस हिसाब से, क्या है कि लड़की है तो वो भी चीज़ एक फैक्टर है, तो हम लोग तो पहले सोचे थे कि एम्स में करवाएंगे, तो किसी एम्स में ट्राई करेंगे, है ना। अभी काउंसलिंग है, काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। अपने झारखंड में भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वेस्ट बंगाल में भी कॉलेज हैं, तो ये सब हम लोगों का चॉइस लिस्ट में है, अब काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। तो देखिए, और किस तरह से हजारीबाग में ही तैयारी करके कुलसुम ने एग्जाम पास किया और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका श्रेय एक यहाँ पे इनके कोचिंग के जो मास्टर हैं वो भी उनको भी जाता है। सर ये बताइए, हजारीबाग के भी लोग हैं यहाँ पे आपके कोचिंग से निकाल रहे हैं, तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, हजारीबाग में आज वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो कोटा में मिलती है, और बच्चे ईमानदारी पूर्वक अगर हजारीबाग में रहकर अगर तैयारी करें तो यहां से वो सारे मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। आज यूपीएससी, जेपीएससी और नीट और जेई मेंस में बच्चे यहां से क्वालिफाई कर रहे हैं, तो एक यहां पर अच्छा माहौल डेवलप हुआ है और झारखंड में हजारीबाग के एक एजुकेशन हब के रूप में उभरा है, और कुलसुम ने इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 670 नंबर लाना साधारण चीज़ नहीं होता है, और इसने बहुत कठिन परिश्रम की है और शुरू से ही ये मेघावी रही है, और अपने प्रथम प्रयास में 670 लाना साधारण बात नहीं होता है। 3-4 अटेम्प्ट देते हैं तब अच्छा मार्क्स आता है। बिल्कुल, और हम लोग के साथ ये ताल में ताल मिला के चली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में ये बहुत अच्छा स्कोर की है, और आगे हम चाहते हैं कि इसका एम्स में सिलेक्शन हो और वहाँ से ये डॉक्टर बने और सबकी सेवा करे। बिल्कुल, तो आपके गाँव में कुलसुम बहुत लड़कियाँ हैं जो आगे तैयारी करना चाहेंगी, उनको आप क्या बोलेंगे, किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे करें, या 10th हो, 11th हो, या 12th हो, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो कैसे डेडिकेशन दिखाएं, भले यहाँ पे उतनी फैसिलिटी ना हो कि आपको हजारीबाग पहुँचना पड़े, कैसे वो डर ख़त्म हो कि हाँ वहाँ जाके तैयारी करें, क्या आप मैसेज देंगे? किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला जो दो चीज़ मैं बोलूँगी कि होना चाहिए, पहला तो खुद पे विश्वास होना चाहिए, अपने फैमिली पे सपोर्ट होना चाहिए, उनका विश्वास होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि आप कुछ भी करें तो उसको एक पहला से करें, कहते हैं ना स्टार्ट अर्ली, अर्ली स्टार्ट करने से आपको चीज़ें पता चलेंगी, और आप मतलब एक लेट हो जाने से या फिर कुछ लास्ट टाइम का जो हरी होता है, रश होता है, वो सबसे बचेंगे।
दूसरा चीज कि जो भी आप, जैसे मैं अगर अपने फील्ड के बारे में बताऊं, तो अगर आप नीट दे रहे हैं तो आपको अपने सारी, जैसे कि सबको ही बोलता है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और अब ऐसा नहीं है कि आपके गाँव में है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, अभी भी यहाँ पे संसाधन बहुत है। आप खोजेंगे, खोजने से तो खुदा भी मिल जाते हैं। तो फिर आप अगर, जैसे कि मैं यहाँ पर थी तो मुझे सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने हज़ारीबाग में मैंने अपने लोकल जो सिटी था वहाँ से मैंने ट्यूशन लिया। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, तो फिर मैंने आकाश का DLP भी लिया, उसके टेस्ट और जो स्टडी मटेरियल वगैरह भी मुझे काफ़ी हेल्प आया। उसके बाद फिर मैंने कुछ रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत यूट्यूब का वीडियोस वगैरह भी देखा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जर्नी में जो होगा वो होगा सेल्फ स्टडी। आप खुद को जितना टाइम देंगे उतना आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, खुद को निखारने का आपको मौका मिलेगा। तो अपने आप को निखारना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरह से कुलसुम बता रहे हैं कि गांव में भी वो सारी फैसिलिटी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, और यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर हज़ारीबाग भी जाके गाँव की लड़कियाँ जो है वो तैयारी कर सकती हैं। और किस तरह से नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में जब क्रैक किया है कुलसुम ने, वो एक मिसाल बन रही है पूरे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार, हज़ारीबाग।